हेलो ऑल दी एस्पायरेंट्स, इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स जो जीआरएफ की इक्विवेलेंट होती हैं, और अगर आपने इस बार के एग्जाम में जीआरएफ नहीं भी क्वालिफाई किया है तब भी आपको सेम स्टाइपेंड दिया जाएगा। अगर आपने इस बार के एग्जाम में एलएस क्वालिफाई किया है और आप अगर ओबीसी एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले, चूंकि दिवाली हफ्ता चल रहा है तो आईएफएस ने अपने सारे ही कोर्सेज पर फ्लैट 50% ऑफ कर रखा है, चाहे आप रिकॉर्डेड कोर्सेज चाहे आप ऑनलाइन लाइव कोर्सेज को एनरोल करते हैं। लाइव कोर्सेज की बात करें तो 28th ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट हो रही हैं बैचेस, जो कि जून 2025 वालों को टारगेट करेंगे। इस बार के जितने भी टॉपर्स रहे हैं उन सभी का इंटरव्यू चैनल पर पड़ा है, एक बार वो भी जरूर गो थ्रू करिएगा। आइए आपको ले चलते हैं सीधा वेबसाइट पर, और सबसे पहली जो स्कॉलरशिप डिस्कस करेंगे वो है एनएफ ओबीसी की। इस स्कॉलरशिप के लिए ओबीसी कैंडिडेट्स ही एलिजिबल होते हैं, और अगर आप सेंट्रल लिस्ट में आते हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अब अगर आप इस वेबसाइट को नीचे स्क्रॉल करते हैं तो देखिए आपका रिजल्ट इसी पे आता है। रिजल्ट कैसे दिखाई देगा अभी मैं ब्राउजर भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो क्लिक हियर टू डाउनलोड द रिजल्ट, तो इस तरीके से जैसे दिसंबर 2023 का जो साइकिल था उसके लिए रिजल्ट आए हुए हैं, इसमें आप अपने रोल नंबर को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, ये जो ध्यान रखिएगा इसमें ज्वाइंट सीएसआईआर यूजीसी CSIR UGC का जो ज्वाइंट एग्जाम होता है वो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए होता है, हमें इसके अंदर चेक करना होता है ना। अगर आप गाइडलाइंस में आएंगे तो आपके सामने कुछ ऐसी पीडीएफ आएगी, मैं यहां से आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं। अगर आपने इस बार का ज्वाइंट यूजीसी CSIR एग्जाम दिया है, आपने नेट क्वालिफाई किया है और आप कुछ मार्क्स से जीआरएफ नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं तो हताश होने की जरूरत नहीं है, आपको सेम स्टाइपेंड दिया जाएगा इक्विवेलेंट टू जीआरएफ। नाउ एलिजिबिलिटी क्या है, मैंने बताया आपको, आपको एलएस क्वालिफाई करना है, नेट क्वालिफाई करना है, और आप अगर पीएचडी में एनरोल कर चुके हैं तब भी, और अगर करने वाले हैं तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। नाउ जैसे ही आपको ये अवार्ड लेटर मिलता है आप 3 साल के अंदर अंदर पीएचडी ज्वाइन कर सकते हैं, सेम वही कंडीशंस जो एक नॉर्मल जीआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट को मिलती है। नाउ आगे बढ़ने पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी होती हैं, तो टोटल 1000 सीट्स होती हैं, जिसमें से 700 सीट्स जो रखी गई हैं, 750 सीट्स जो रखी गई हैं वो यूजीसी नेट वाले स्टूडेंट्स के लिए, यानी नॉन साइंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए है, एंड लिखा गया है यूजीसी, एंड रिमेनिंग 250 यूजीसी सीएसआईआर नेट जीआरएफ ज्वाइंट टेस्ट जो होता है फॉर साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स, यानी हमारे लिए है, होती है, उसमें 250 कैंडिडेट्स को लिया जाता है। नाउ यहां से आगे हम स्क्रॉल करते हैं तो स्टाइपेंड अमाउंट मेंशन किया गया है इसमें 31,000 और 35,000, हालांकि ये बाद में रिवाइज हो गया है। मैं आपको अगर रिवाइज डाटा दिखाऊं तो अब 37,000 और 42,000 यानी इक्विवेलेंट टू जीआरएफ स्टाइपेंड दिया जाता है। और अगर आगे बढ़े इसके अंदर तो इसमें जो आपकी नोडल एजेंसी होती है, यानी जो आपको वाकई में स्कॉलरशिप देती है, वो सीएसआईआर नहीं, वो यूजीसी होती है। और सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया होता है, तो द सिलेक्शन फॉर द अवार्ड ऑफ एनएफ ओबीसी टू द कैंडिडेट्स विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन ईच यूजीसी नेट या फिर सीएसआईआर नेट जीआरएफ एग्जामिनेशन एंड विल बी मेड ट्वाइस इन अ ईयर। क्योंकि हमारा नेट एग्जाम साल में 2 बार होता है तो ये इवैल्यूएशन 2 बार किया जाता है, और आपका जो नेट का स्कोर होगा उसके बेसिस पर किया जाएगा। ठीक, मान लीजिए आपने जीआरएफ के कट ऑफ से कुछ नंबर ही पीछे रह गए हैं तो आपके हेल्दी चांसेस हैं कि आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। नाउ और आगे बढ़ते हैं अगर हम, तो इसमें कुछ कैंसिलेशन ऑफ द अवार्ड्स भी लिखा गया है कि आप कुछ गलत इंफॉर्मेशन नहीं दीजिएगा, आप इस पीडीएफ को एक बार पूरा गो थ्रू कर सकते हैं। अगर मैं वेबसाइट पर वापस आऊं एक बार, तो यहां से आप गाइडलाइंस एंड जो एनेक्सियर का पोर्शन है इसमें से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर जनरल इंफॉर्मेशन में से आप चेक करें, नोटिसेस है और फेलोशिप अमाउंट की जो मैंने अभी आपको नोटिस दिखाई ये वो है, और इसमें से आप रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं, तो इसी सेक्शन में नीचे आएंगे आप तो ज्वाइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दिसंबर वाला जो एग्जाम अभी हुआ था उसके लिए रिजल्ट आ चुका था, तो ये उन्होंने इस तरीके से लिस्ट निकाली हुई है कि कौन से कैंडिडेट्स को एनएफ ओबीसी के तहत जीआरएफ लेटर अवार्ड किया गया है फॉर दिसंबर 2023 साइकिल। ओके, इसी तरीके से इस बार का भी रिजल्ट आएगा तो वेबसाइट हमें रेगुलरली चेक करनी है। रिजल्ट में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपको यहां से अपना रोल नंबर डाल के और सारे डेट्स वगैरह, अपने डेट ऑफ बर्थ डाल के आप अपना
जो अवार्ड लेटर है उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, तब आप फर्दर कहीं पे अप्लाई कर सकते हैं फॉर द स्टाइपेंड जब आप पीएचडी में एनरोल करेंगे तब। नाउ इस तरीके से लिस्ट आती है और स्टाइपेंड अमाउंट बता दिया। ये तो बात हो गई एनएफओबीसी की। और अगर मैं बात करूं सिमिलर ही एक ऐसी स्कॉलरशिप होती है एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए, इसका नाम है नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स। इसमें भी आप नीचे यहां पे आएंगे तो आपको मिलेगा सेक्शन जैसे ज्वाइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2023 की साइकिल के लिए चीजें कंप्लीट हो गई हैं। जब आप लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को देखते हैं तो इस तरीके से लिस्ट आती है। आप डेट देखेंगे तो ये 20th September को आया हुआ लिस्ट है, लेकिन ये पुराने वाले साइकिल के लिए, इसी तरीके से नए साइकिल के लिए भी लिस्ट जारी होती है। इसी में आपको अपने रोल नंबर्स ढूंढने होंगे। अगर मैं इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करूं तो सेम वही क्राइटेरिया रखा गया है इसमें, लेकिन एससी स्टूडेंट्स के लिए सीट थोड़ी सी ज्यादा है, 500 सीट साइंस स्ट्रीम के लिए रखी गई है। और जो कंडीशंस रखे गए हैं वो सिमिलर ही है कि आपको नेट के मार्क्स के बेसिस पे ही इवेल्युएट किया जाता है। एक बार आप ये पीडीएफ खुद से भी गो थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो मैं स्पेसिफिकली सबको अलग अलग डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। इसमें भी स्टाइपेंड सेम ही होता है, 2 साल के लिए जीआरएफ और 3 साल के लिए आपको एसआरएफ, अमाउंट भी आपको सेम दिया जाता है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर में इन्होंने यही लिखा है कि स्टूडेंट जो होगा उसको मेरिट के बेस पे सेलेक्ट किया जाएगा जैसा भी उसका परफॉर्मेंस। यूजीसी सीएसआईआर जो जॉइंट वाला होता है, जो साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स के लिए होता है उसमें, या फिर यूजीसी वाला जो स्टूडेंट है उसके लिए, यानी नॉन साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स के लिए भी ये होता है। नाउ द वाइल द मेरिट फॉर द अवार्ड फॉर फेलोशिप अंडर एनएफएससी विल बी ड्रॉन अप थ्रू द नेट एग्जामिनेशन, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एडमिशन, मतलब जो पीएचडी में ऑलरेडी एनरोल्ड है और उन्होंने इसके लिए अप्लाई किया है उनको पहली प्रेफरेंस दी जाएगी। और अगर फिर भी सीट्स बच जाती हैं तो जो कैंडिडेट्स जिन्होंने अभी पीएचडी में एनरोल नहीं किया है तब उनको ये स्कॉलरशिप दी जाती है। तो वेट मत करिए, अगर आपने पीएचडी में एनरोल नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी आगे आपको मिल सकती हैं। ठीक है, और इसी तरीके से एक फेलोशिप होती है फॉर एसटी स्टूडेंट्स, और इसका भी आप देख सकते हैं, इसके लिए भी वेबसाइट यहां पर मेंशनड है। मैं बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, आप कमेंट में बताएंगे तो मैं डिटेल में भी सारी ही तीनों के लिए अलग अलग डिस्कस कर दूंगा। एनएफओबीसी के लिए ये रही वेबसाइट, और उसी तरीके से एनएफएससी और एनएफएसटी के लिए भी आप देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको कुछ नई जानकारी पता लगी होगी, और अगर इस तरीके का अपडेट और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, प्लस इस तरीके का कॉन्टेंट पसंद आता है तो लाइक जरूर किया करिए। जाने से पहले एक बार फिर से बता दें, क्योंकि अगर आप दिसंबर वाले एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज जरूर लगाइएगा। जितने भी टॉपर्स हैं जिनका मैंने इंटरव्यू लिया है अभी हाल ही में, सब ने मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस क्वेश्चन पे ही एम्फेसाइज किया है। प्लस अगर आप जून 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप इस लाइव कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं फ्लैट 50% का इस्तेमाल करके। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली टू एवरीवन, एंड बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।